मौजूदा समय पंजाब आर्थिक संकट वाल बढ़ सकता है क्योंकि पंजाब सरकार का केंद्र ने हाले तक बकाया नहीं दिता जिस कारण पंजाब विच माली संकट बढ़ सकता है। मान सरकार ने वित्तीय संकट तो आरजी राहत लई हुण जीएसटी मुआवजे के करोड़ों रुपए के बकाए ते टेक लाई है। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि जेकर केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजे के पुराने बकाए का मसला हल कर देती है तो इस नाल पंजाब नू 5000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं जिस नाल पंजाब की आर्थिक स्थिति लीते आ सकती है। इन्हां फंडा तो बिना सूबे विच कई तरह के विकास कार्य लटके हुए हैं। केंद्र सरकार ने ना तो पिछले 4 साल तो पंजाब नू रूरल डिवेलपमेंट फंड यानी आर डी एफ भी जारी नहीं किया। आर डी एफ का ही 3700 करोड़ के करीब केंद्र सरकार वाल पंजाब का बकाया पिया होया है। इस संबंधी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिल्ली विच इस बारे मीटिंग भी कीतियां तां जो जीएसटी मुआवजे के पुराने बकाए का हिसाब किताब सिरे लाया जा सके। पंजाब सरकार हुण पिछली सरकार के समय साल 2017-18-21-22 तक के करीब 5000 करोड़ रुपए के बकाया जीएसटी मुआवजे का केंद्र सरकार नाल निपटारा करन विच जुटी हुई है। सूबा सरकार का मनना है कि जे केंद्र सरकार इस राशि का निपटारा कर दिंदी है तो सूबे की वित्तीय हालत दुरुस्त हो सकती है। रेड़का इत्थे बनिया होया कि पंजाब सरकार जीएसटी का बकाया कुल 5000 करोड़ रुपए दस रही है पर केंद्र सरकार इसनों 3000 करोड़ रुपए दस रही है। करीब 2000 करोड़ रुपए का पाड़ा सामने आ रहा है जिसनों पंजाब सरकार किसी भी तरह खत्म करना चाहती है तो 5000 करोड़ रुपए पूरा बकाया लैण की चाहवान है।